हेलो दोस्त, एक खुशखबरी आने से पहले की सूचना। अभी खुशखबरी आई नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आरआरबी कोलकाता ने, हालांकि कोलकाता से, यहाँ कहेंगे कोलकाता ने नहीं, 142 कैंडिडेट एलपी और जेई के लिए, एलपी टेक्नीशियन और जेई तीनों के लिए मांगा है रिप्लेसमेंट पैनल के रूप में। जो वैकेंसी CEN 1/2018 यानी सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन 1/18 का है। तो सब लोग कहते थे कोलकाता से कब आएगा, तो कोलकाता का भी लग रहा है ईस्टर्न रेलवे, जून का कुछ ना कुछ होने वाला है। हालांकि जब तक वेबसाइट पे ऑफिशियल नहीं आए तो हम उसे ऑफिशियल नहीं मानेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस हमेशा चलते रहती है। यानी मांग पत्र, और जिसको सीधा ही भाषा में बोले, अगर इंग्लिश में लाएंगे तो डिमांड। तो हमेशा हमने शुरू से ही, आज से 3 साल पहले से आपको बता रहे हैं, जब से एलपी की वैकेंसी आई थी और प्रोसेस शुरू हुआ था, तब भी हमने बात किया था कि देखिए वेटिंग क्लियर होती है किस पे, वेटिंग कैसे क्लियर होती है, उसमें सबसे पहला कंडीशन है कि वैकेंसी कितनी भी खाली हो, जब तक डिमांड नहीं होगी या मांग पत्र नहीं किया जाएगा या रिक्वायरमेंट नहीं, तो जब तक मांग पत्र नहीं आएगा तब तक आगे की प्रोसेस नहीं आएगी। तो उसी का एक एग्जाम्पल है जो हम देखेंगे यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के रूप में। तो यहाँ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज रिक्वायरमेंट, यानी रिक्वायरमेंट मतलब समझ जाइए सीधा, हमने जो पहले भी बता रखा है कि रिक्वायरमेंट कौन देता है, तो आप ध्यान से आप देखेंगे तो रिक्वायरमेंट कौन से आता है, डिवीजन, और डिवीजन के अंदर भी अलग अलग यूनिट होते हैं, उस यूनिट से डिवीजन को डिमांड की जाती है। डिवीजन आगे प्रोसेस करके जोन को दे देता है, और जोन उस प्रोसेस को आगे करके आरआरबी से मांगा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, कैटेगरी वाइज रिक्वायरमेंट फॉर रिप्लेसमेंट पैनल फ्रॉम आरआरबी कोलकाता एज एन 25/5/21। तो समझ गए होंगे, यूनिट ने डिवीजन, डिवीजन ने जोन, जोन ने आरआरबी से डिमांड कर लिया। किससे डिमांड किया है? आरआरबी कोलकाता से। तो सिंपल सी बात है, अब कोलकाता क्या करेगा? अब कोलकाता देखेगा कि इनकी जो डिवीजन की रिक्वायरमेंट है वो ज़रूरत है, एक्चुअल अप्रूवल लेटर के साथ है, और इसकी जो प्रोसेस है वो सारा कंप्लीट हो गई है। तो क्या करेगा? अब ये कॉल करेगा यहाँ से, वेटिंग लिस्ट वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी मेरिट देखेगा, किसकी मेरिट किस कैटेगरी में बन रही है, और वेटिंग लिस्ट से आगे लेके वो फाइनल उनको इस पैनल में शामिल करेगा। तो ये अभी करेगा, किया नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। तो करेगा, इसकी होगी आगे की प्रोसेस में। तो सबसे पहला पोस्ट जो है, हाईलाइटेड पोस्ट है, वो है असिस्टेंट लोको पायलट, जिसको एलपी कह सकते हैं, जिसमें टोटल एलपी दो अलग अलग कैटेगरी था। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल आप जानते ही है, कैटेगरी नंबर 1 और 2 दोनों के लिए 18 और 7, दोनों मिला के 25 एलपी की डिमांड की गई है। यानी 25 आपका आ सकता है एलपी की रिप्लेसमेंट पैनल। तो यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ कोलकाता रेलवे आरआरबी कोलकाता से मांगा गया है। यहाँ पे ये क्लियर नहीं दिखा रहा है कि ये कोलकाता में ईस्टर्न रेलवे से मांगा गया है कि एसीआर से मांगा गया है। तो एसीआर भी कोलकाता में आती है, लेकिन एसीआर की अलग आपका मुख्यालय भी है, और इसमें आपने अभी देखा होगा भुवनेश्वर से डाइवर्सन भी पैनल ले लिया है। तो डायरेक्ट क्लियर यहाँ हो रहा है कि आरआरबी कोलकाता में अभी ये ईस्ट रेलवे की ही डिमांड होगी। अब उसके बाद दूसरे टेक्नीशियन अलग अलग है, सीआर ड्राइवर वगैरह की एक पोस्ट है, कैटेगरी नंबर 28 के लिए, इलेक्ट्रिकल वेल्डर WS के लिए एक है, पावर वाले जो 47 नंबर है उसमें एक पोस्ट है, ट्रेन लाइटिंग के लिए 3 पोस्ट की बात की है, TRD OC के लिए 1 पोस्ट, उसके बाद TRD PSI जो आपका है उसके लिए 1 पोस्ट, उसके बाद TRS का सबसे ज़्यादा TRS का यहाँ मांग किया हुआ है, देख सकते हैं TRS यहाँ पे 10 पोस्ट है टेक्नीशियन के टर्म में कहें तो। उसके बाद EMU में देखेंगे 2 पोस्ट, फिटर में 5 पोस्ट, उसके बाद रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशनिंग में आपका देखेंगे तो 1 पोस्ट के लिए, CNW में आपका 7 पोस्ट अभी कह सकते हैं उसी का, यानी अगला है आपका डीजल इलेक्ट्रिकल में 2 पोस्ट, डीजल मैकेनिकल में 4 पोस्ट, डीजल WS में 3 पोस्ट, उसके बाद आपका एक 15 वाला और WS है, टेक्नीशियन फिटर WS, यहाँ पे आप देखेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा ये, इसमें और इसमें दोनों WS में, मैशनिस्ट ऑफिसर रेस्ट का 15/10/25 टेक्नीशियन की, उसके बाद वेल्डर के लिए 1 वेल्डर, दूसरा WS के लिए 4, उसके बाद आपका PCM टेक्नीशियन सिग्नल टेलीकॉम 134 और इसके लिए आपका 5/5/10, और यहाँ ब्रांच लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, हालांकि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का दोनों का क्वालिफिकेशन में ज़्यादा अंतर नहीं था, दोनों आप अप्लाई कर सकते थे। उसके बाद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ब्रिज मेसन और वेल्डर में तीनों में 1-1 पोस्ट की डिमांड की गई है,
उसके बाद अगला 3/18 यानी जेई के लिए है। तो जेई की अलग अलग डिपार्टमेंट में देखेंगे तो जेई के लिए पोस्टों की संख्या टोटल यहाँ से लेके आपका इस से यहाँ तक लिया गया है, और ये टोटल पोस्टों को जोड़ लेंगे तो 32 हो जाएगा। और ग्रांड टोटल यहाँ पे देखेंगे तो 142 है, देख लीजिए आपके सामने है 142, यानी 142 में 32 आपका है जेई का। 142 में भी अगर ब्रेक करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा कि 25 पोस्ट आपका है एलपी का, यानी यहाँ से 142 में से 32 अगर कर देते हैं तो 110 पोस्ट आना है। 110 में से 25 पोस्ट कर देंगे अगर कम तो 85 पोस्ट आपकी टेक्नीशियन 3 की आने वाली है, जो कह सकते हैं किसी आरआरबी में 85 पोस्ट अभी टेक्नीशियन की वेटिंग क्लियर नहीं किया है। तो आने वाले दिनों में अगर वेबसाइट पे आएगा तो आपको अपडेट ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी ध्यान रखें, संतुष्टि रखें और समझदारी रखें कि अभी तक ये पैनल वेबसाइट पे नहीं आया है, ये केवल मांग पत्र या डिमांड है।